हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं जो मीडिया टेक का लेटेस्ट प्रोसेसर आया है, मीडिया टेक हेलियो G90 सीरीज। जो G90 और G90T है, तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो रेडमी नोट 8 है वो G90 के साथ आएगा और जो रेडमी नोट 8 प्रो है वो G90T के साथ आएगा। तो G90 और G90T में क्या डिफरेंसेस है ये हम लोग जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को देखते रहिए और मेरे साथ बने रहिए। मैं हूं प्रियांशु सिंह और हमारे चैनल हिंदुस्तानी 360 में मैं आपका स्वागत करता हूं। आप सारी डिटेल्स जान पाएंगे कि G90 और G90T में कितना डिफरेंसेस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मीडिया टेक हेलियो G90 सीरीज जो है ये गेमिंग प्रोस्पेक्टिव के लिए लॉन्च किया गया है। जी हाँ, मीडिया टेक का कहना है ये 26% फास्टर बेंचमार्क देन अदर कंपटीटर्स। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 20% फास्टर होगा। और ये भी कहना है कि काफी स्मूथ जो है फॉर्टनाइट गेम, पबजी और केओजी काफी इजीली चलेंगे, कोई भी फ्रेम ड्रॉप्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे सीधा कंपटीटर आता है जो है स्नैपड्रैगन 730 और 730G। तो यहाँ पे देखिए, एड्रिनो पे हम लोग को बहुत भरोसा है, एड्रिनो क्योंकि बहुत दिनों से हम लोग यूज करते आ रहे हैं और देखते आ रहे हैं कि कितना पावरफुल होता है जो क्वालकॉम का एड्रिनो जो है 616, 618, 6 जो है 20, 640 जो है इस स्नैपड्रैगन 845 में आपको मिलता है। लेकिन यहाँ पे जो है आपको माली दिया गया है, तो माली कितना पावरफुल होने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सीपीयू की। यहाँ पे देखिए, जो दो पावरफुल कोर हैं वो कॉर्टेक्स A76 पे बेस हैं 2.5 GHz पे, और जो बाकी 6 कोर हैं ये ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, मैं आपको बता दूं 6 कोर हैं वो ARM कॉर्टेक्स A55 पे हैं 2.0 GHz पे, और सेम फ्रीक्वेंसी भी बेस है G90। तो G90T और G90 के जो फ्रीक्वेंसी है, जो क्लॉक स्पीड है, वो सेम है, कोई डिफरेंसेस यहाँ पे नहीं है। अगर जीपीयू की बात करूं तो मैं आपको बताऊं, तो यहाँ पे दिया गया है ARM माली G76 अप टू 800 MHz, ये है G90T का। और जो फ्रीक्वेंसी है वो G90 में थोड़ी सी चेंज कर दी गई है, ये 720 MHz पे जो है क्लॉक किया गया है माली G76 को। तो यहाँ पे देखिए, कहना क्या है कि जो माली G76 है ये कहीं पावरफुल है जो है एड्रिनो से, जो 730 में दिया गया है। लेकिन जब ये मार्केट में लॉन्च आएगा, जब अपने हाथों में ये फोन आएगा, जब गेम प्ले होगे, तो फ्रेम्स कितने फ्रेम्स जो है ये दे पा रहा है, कितने प्रोवाइड कर पा रहा है, कितनी स्मूथली या 30-40 फ्रेम पर सेकंड क्या स्मूथनेस दे पा रहा है, ये तभी पता चलेगा। क्योंकि मीडिया टेक ऑन पेपर तो हमेशा से पावरफुल लगता है, लेकिन जब इसे हम लोग प्रैक्टिकली जब इसे यूज करते हैं तो रिजल्ट कुछ और मिलता है। लेकिन जो ऐसा इसे ऐड किया जा रहा है G90T पावरफुल फॉर गेमिंग, ये वो, ये जब हाथ में आएगा तभी क्लियर पता चलेगा। ऐसे हवा हवाई नहीं, रिव्यू देखने के बाद ही फोन लीजिएगा। मैं पहले बता रहा हूं, रिव्यू देखने के बाद ही फोन लीजिएगा, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं। जो नेक्स्ट पार्ट है वो है कैमरा। देखिए, जो G90T है ये 64 MP का सिंगल कैमरा सपोर्ट कर सकता है, और G90 है वो 48 MP का सिंगल कैमरा सपोर्ट कर सकता है। और डुअल कैमरास में आपको बता दूं, दोनों जो है G90T और G90 वो 24+16 MP सपोर्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे आप डुअल कैमरे का इस्तेमाल कर सकते हैं, 24+16 MP का आप डुअल कैमरा दे सकते हैं G90T में भी और G90 में भी। अगर मेमोरी की मैं बात करूं तो यहाँ पे LPDDR3 भी दे सकते हैं, LPDDR4 भी दे सकते हैं। जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो ये सपोर्ट कर सकता है 2133 MHz। जो रैम की फ्रीक्वेंसी है वो 2133 MHz तक आप इसे दे सकते हैं यहाँ पे, तो काफी अच्छी जो है फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्ड आपको देखने को मिलेगी। अगर इस फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्ड पे अगर आप रैम देते हैं, और ये 10 GB रैम तक सपोर्ट कर सकता है इजिली G90V और G90TV, यहाँ पे कोई डिफरेंसेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर स्टोरेज की बात करूं तो मैं आपको बता दूं, ये UFS 2.1 सपोर्ट करता है, UFS 3.0 को सपोर्ट नहीं करता है, और EMMC 5.0 को भी ये सपोर्ट करता है। ये दोनों G90 और G90T दोनों सेम है, यहाँ पे भी आपको कोई डिफरेंसेस देखने को नहीं मिलता है। अगर डिस्प्ले की बात करूं तो यहाँ पे फुल HD+ का रेजोल्यूशन आपको देखने को मिलता है, ये 2K 4K वगैरह नहीं सपोर्ट करता है। जी हाँ, डिस्प्ले में तो फुल HD+ यहाँ पे रेजोल्यूशन सपोर्ट करता है इजिली। अगर रिफ्रेश रेट की बात करूं, डिस्प्ले रिफ्रेश रेट की, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं डिफरेंसेस हैं। G90T की जो सपोर्ट करता है वो 90 जो है हर्ट्स की आपको डिस्प्ले देखने को मिलेगी। अगर मैं बात करता हूँ
G90 की, तो यहाँ पे आपको मैं आपको बता दूं 16 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट मिलेगी। तो G90T में 19 हर्ट्ज और G90 में आपको 16 हर्ट्ज, तो डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। डिस्प्ले जब आप इसे जो यूज करेंगे तो आपको ये थोड़े अगर नोटिस करेंगे तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा 90 हर्ट्ज वर्सेस जो है 16 हर्ट्ज, क्योंकि जो टच रिस्पॉन्स होगा वो काफी बेटर होगा G90T में। अगर मैं बात करता हूँ मॉडम की, तो देखिए मॉडम दोनों में सिम दिया गया है, G90T और G90 में 4G LTE Cat 12, तो आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी, 4G वगैरह वोल्टी आप आसानी से यूज कर पाएंगे। तो बात यहाँ पे ये आती है कि नोट 8 में और नोट 8 प्रो में क्या दिया जाएगा। नोट 8 में बोला जा रहा है कि G90 दिया जाएगा और प्रो वर्जन में बोला जा रहा है G90T दिया जाएगा। डिफरेंसेस बहुत ही कम है, मैं आपको बता दूं दोनों में रिफ्रेश रेट का अंतर है और जो GPU है वहां पे आपको जो फ्रीक्वेंसी का हल्का सा अंतर है, तो बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। और जो मीडियाटेक का कहना है ये 9% मल्टी थ्रेड बूस्ट है, तो आपको जो CPU का रिस्पांस मिलेगा वो भी काफी फास्टर मिलेगा, गेम्स वगैरह जल्दी से लोड हो जाएंगी, जो गेम्स है वो आपको बेटर चलेंगे, स्मूथ चलेंगे, ऐसा मीडियाटेक का कहना है। विविड कलर होंगे, डिस्प्ले की क्वालिटी अच्छी होगी, जो फ्रेम ड्रॉप्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे, स्मूथली प्ले होंगे, जो कलर्स वगैरह काफी पंची मिलेंगे। जो अगर अदर प्रोसेसर की बात की जाए इस जो है कंपटीटर में, अगर इसे कम्पीट किया जाए जैसे 2 लाख से 2 लाख 22 हजार तक के बेंच मार्क में, तो नोट 8 और नोट 8 प्रो को अगर आपको लेना होगा तो बिल्कुल लीजिएगा, लेकिन रिव्यू देखने के बाद। जी हाँ, दोनों फोन्स काफी सॉलिड होने वाले हैं, प्रोसेसर भी काफी अच्छा है, लेकिन विदाउट जब तक हम इसे रिव्यू नहीं देख लेते हैं तब तक मैं कंसीडर नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मीडियाटेक जो है ऑन पेपर हमेशा सॉलिड रहा है, बट जब ये प्रैक्टिकली आता है तो रिजल्ट कुछ और ही देखने को मिलता है। तो ये देखते हैं क्या ये अपने आप को जस्टिफाई कर पाएगा G90 सीरीज, तो देखते हैं जब ये लॉन्च होगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और मैं आपको बता दूं जो कृष्ण जन्माष्टमी है और उसके उपलक्ष्य में आप सभी लोग को बहुत बहुत बधाइयां। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद।